फ्रेंड्स, मैं सोनू और आज हम लोग काम करने वाले हैं जाइलो D2 में, जो कि 2010-11 मॉडल है, 11/12 है ये। तो इस गाड़ी में फॉल्ट ये आ रहा है कि इसका मीटर में प्रॉब्लम आ रही। तो देखिए, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई और हम लोग ये गाड़ी को हम लोगों ने लगा रखा है जैक पर। और ये देखिए, पहिया नाच रहा है इसका। अब हम लोग गियर पर डालेंगे और उसका देखेंगे मीटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सेकंड गियर लगाया तो देखिए मीटर में प्रॉब्लम ये आ रही है। ये चलता है रुक जाता है, चलता है, ये देखिए चलता है रुक जाता है, कभी कभी चलता ही नहीं, झटके से चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है, ये होता है इसमें। तो अभी देखिए, ये इसका पहिया भी नाच रहा है, जो कि सेकेंड गियर में गाड़ी है। तो देखिए चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, तो ये फॉल्ट इसमें है। तो अभी हम लोग इसका फॉल्ट देखते हैं क्या है। तो अभी वीडियो को पॉज करते हैं और इसका सेंसर की वायरिंग की डिटेल हम आपको देते हैं। तो वीडियो को पॉज करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सेंसर की वायरिंग है, जो कि देखिए ये रेड वायर है, ये सप्लाई है और ये ग्राउंड है। ये सप्लाई जो होती है 5 वोल्ट होती है। तो अभी ये ग्राउंड है ब्लैक कलर का और ये इसका सिग्नल आउटपुट है, जो कि नीले पे पीली लाइन पड़ी है इसमें। तो अभी हम इसको चेक करने का तरीका बता देते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने मीटर का तार लगा दिया है, जो कि एक तार लगा है रेड में, सुई बना के लगाई हम लोगों ने, और एक लगा है ब्लैक में, जो कि यहाँ पे देखिए मीटर से डिजिटल मीटर में अगर आप देखेंगे रीडिंग, तो ये आएगी 5 वोल्ट। और अभी देखो उसका सिग्नल का जो आउटपुट होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हम लोगों ने एक तार लगाया है ब्लू और येलो लाइन पे और एक लगाया है ब्लैक पे। तो देखिए इसमें जो रीडिंग आ रही है वो करीब 11-11.5 वोल्ट आ रही है। तो अब हम लोग एक काम ये करते हैं कि इसको लगाते हैं सेंसर में और फिर इसकी रीडिंग देखते हैं क्या आ रही है आउटपुट लाइन की, सिग्नल आउटपुट जो होता है उसमें देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोगों ने ये तार जो लगा रखे हैं नीले और काले, नीले पीली धारी पे और काले पे सिग्नल आउटपुट और माइनस पे तार लगा रखा है। तो अब इसकी जो रीडिंग देखेंगे तो रीडिंग 0 आएगी। तो इस यहाँ तक वायरिंग जो हमारी है वो ठीक है। और मैं इसका एक तरीका और बता देता हूँ आपको वायरिंग चेक करने का। तो देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो अभी वायरिंग देख रहे थे तो उसमें देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ECM है और ECM में ये देखिए जो इसका मीटर सिग्नल, स्पीडोमीटर सिग्नल का जो सप्लाई गई है वो ये देखिए नीली पे पीली, ये हमारी ACM में आएगी या यूं कर लिए ACM से जाएगी। तो सिग्नल वहाँ से निकल के ACM में आता है। तो और देखिए एक चीज़ और भी है, यहाँ से लेके सिग्नल को चेक करने का, इस वायरिंग को चेक करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप सीधे सीधे स्पीड मीटर का जो सेंसर होता है वहाँ पर जब आप मीटर लगाएंगे नीली पीली धारी पे काले में, तो जो ये अगर ये वहाँ यहाँ से बीच से कहीं से वायरिंग कटी होगी तो इसमें जो 11 वोल्ट हम लोग कपलर निकाल के आ रहा था वो नहीं आएगा। और तो ये वायरिंग हमारी वहाँ सेंसर से लेके ACM तक हमारी ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा मीटर कपलर है और मीटर कपलर में एक कोई भी कपलर में कॉमन सी बात होती है कि अगर सिग्नल से कोई तार आया है तो वो वापस यहाँ भी आया होगा, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा नहीं है। 32 पिन का कपलर है और ये मीटर में कुछ इस तरह से लगता है। तो इसका जो मीटर का कपलर है फ्रेंड, तो देखिए जहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये हल्का सा ब्राउन पे ब्लैक धारी का तार है, ये हमारा एरो बना है, एरो से पहले ये एक नंबर तार है, इसमें लिखा भी होता है। तो एक नंबर से लेकर 32 पिन का कपलर है ये। तो यहाँ 16, उसके बाद 17-18, यहाँ तक 32। तो ये फ्रेंड्स ये 23 नंबर का तार है ये। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 23 नंबर का तार है, जो कि ये है सिग्नल आउटपुट। और सिग्नल आउटपुट देखिए, जब ACM में कोई कनेक्शन जाता है तो ACM से कनेक्शन आउटपुट भी होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। देखिए फ्रेंड्स, ये है लाइट ब्लू तार, जो कि ये है सिग्नल आउटपुट। और जनरली कुछ जाइलो में ये तार, जनरली कुछ गाड़ियों में ये तार जो फ्रेंड्स होता है, ये तार होता है येलो पे ब्लैक, लेकिन कुछ ABS वाली जो गाड़ियां हैं जिनमें ABS दिया हुआ है जाइलो में,
और जिसमें एयरबैग दिए है तो उसमें कुछ में वायरिंग में चेंज किया है, तो इसका जो आउटपुट डिफरेंस ये देखिए यहाँ से ये आउटपुट हो रहा है। तो ये 23 नंबर तार जो कि कपलर में आता है, ये यहाँ है, तो हम लोग वहाँ से लेके यहाँ तक सीरीज से इस वायरिंग को चेक कर सकते हैं। अगर मीटर हमारा नहीं चल रहा है या कुछ फॉल्ट हो रहा है तो यहाँ से लेके उस एसीएम के तार तक हम लोग ये तार चेक कर सकते हैं। और यही तार फ्रेंड्स हमारे MBFM का जो बॉक्स लगा होता है जो इसमें भी आता, तो ये 22 पिन का कपलर है ये वाला, ये सिग्नल आउटपुट है यहाँ से हो रहा, तो ये देखिए ये सिग्नल इनपुट हो रहा है सॉरी, तो ये देखिए ये 9 नंबर पे तार है, 1 2 यहाँ पे 2 लिखा है, 2 से लेके यहाँ पर ये 9 नंबर का तार है, तो 9 नंबर का तार ये सिग्नल आउटपुट इसमें इसमें मीटर से इनपुट इसमें हो रहा है। तो क्योंकि इसमें MBFM जिसमें लगा होता है उसमें मीटर की लाइन चाहिए, स्पीडोमीटर के सिग्नल की लाइन चाहिए होती है, तो अब हम लोग यहाँ से वहाँ तक वायरिंग चेक कर सकते हैं। वायरिंग को इस तरह से चेक किया जाए, तो हम लोगों ने वायरिंग सारी चेक कर ली है और मैं आपको अब दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें इस गाड़ी में जो फॉल्ट है फ्रेंड्स वो मीटर का फॉल्ट नहीं, इसमें वायरिंग का फॉल्ट नहीं है, इसमें फॉल्ट मीटर का है। तो मैंने इसकी पूरी वायरिंग आपको बताई है, अब इसको इसका मीटर लगा के देखते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट इसका आता है। तो हम लोग दूसरा मीटर मार्केट से लाए हैं, अब इसको लगा के देखते हैं। तो हम लोग ये फ्रेंड मीटर लेके आए मार्केट से और ये इस गाड़ी का मीटर है, तो इसको अलग कर देते हैं, ये है और ये मीटर हम लोग दूसरा लाए हैं, तो इसका कपड़ा लगा के देखते हैं। तो इग्निशन हम लोगों ने ऑन कर दिया है और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, अब हम लोग गियर डालते हैं, तो सेकेंड गियर पे गाड़ी है। देखिए मीटर हमारा जो है वो स्टेबल है इस टाइम, और गियर चेंज करते हैं, 20 हो गया, चौथा गियर डाल दिया, 30 हो गया। तो ये फ्रेंड्स हमारा फॉल्ट जो था वो मीटर का था, तो मीटर हमारा ठीक है और ठीक भी चल रहा है, तो हमारा जो फॉल्ट मेन था वो मीटर का था, लेकिन जब मीटर का फॉल्ट आया तो मैंने सोचा कि इसकी वायरिंग का भी वीडियो एक बना सकूं। तो फ्रेंड्स ये था ज़ाइलो के मीटर से रिलेटेड वीडियो, जो कि मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे इतनी डीपली डिटेल नहीं मिली। और फ्रेंड्स देखिए जो मैं आपको ब्लैक येलो और ब्लैक तार बता रहा था, तो कुछ मॉडल में इस जगह पर इस तार की जगह पर येलो और ब्लैक होता है, तो इसमें ABS और एयरबैग वाली जो कुछ कुछ मॉडल में चेंज किया हुआ है वायरिंग, तो वहाँ से जो ACM से चलता है स्पीडोमीटर सिग्नल चलता है सेंसर से, वो तार चलता है नीले पे पीला, और जो कि ACM से निकल के जो तार आता है वो तार आता है पीले पे काला हो जाता है। तो ये इसमें कंपनी ने कुछ बदलाव किए हैं, उनकी कंपनी की मर्ज़ी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद जो था वो सिर्फ वायरिंग्स को बताने का था, मीटर बदलना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किसी को जरूरत तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।